Hey guys, what's up? Good morning. भाई क्या तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है, इसे डॉक्टर के पास जा रहा है, तो देखते हैं। तो अभी हमने डॉक्टर को दिखा लिया है, डॉक्टर ने मेडिसिन भी दे दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट ही वेट करना पड़ा मुझे, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेके आया था। इसीलिए अगर आप अपॉइंटमेंट लेके नहीं आते हैं तो काफ़ी वेट करना पड़ता है। हमें सर की फैसिलिटी कहीं और पे थी, अभी सर ने फैसिलिटी कहीं और पे बना ली है, बहुत अच्छा बना लिया है। अभी यहाँ से बंदे कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे तो जगह है कैसे कैसे, थोड़ा कन्फ्यूज़न ही हो जा रहा है कहाँ से निकलना है, लेकिन नाप दिया है इन्होंने वही ना मास्क महक आ रही है, बड़ा पाव एकदम से कैसे कैसे खाता रहता है, बड़ा पाव बना हुआ है, महक आ रही है, बना रही है, बड़ा पाव खा लिया जाए क्या, एक दो बड़ा पाव दिवाड़ी की बात आ रही है। यहाँ से आरटीओ वाले तो यहाँ एकदम मुस्तैद रहते हैं, थोड़ा सा हाई फाई किया ना कि तुरंत आपको रख ही लेंगे अंदर, तुरंत चलान कटना ही कटना है आपका, कट रहा है चलान, चलान कट गया एक दिन का, रॉन्ग साइड से लेके आया रहेगा भाई ने। चलो भैया निकलते हैं यहाँ से, वो जो स्टैचू दिख रही है ना वो क्रांतिवीर चाफेकर है, चाफेकर बंधु है, तो उन्हीं के नाम पे एक चाफेकर चौक रखा गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। एक्चुअली डॉक्टर का दिखा लिया मैंने, और दिखा के जब मैं आ रहा था घर की तरफ तो हमारा ऑन द वे ही बढ़ जाता है मंदिर, ये कृष्ण का इस्कॉन मंदिर, तो कहा कि चलो यहाँ पे भी दर्शन करते हुए चलते हैं, मौका लगा है, मन कर लिया, बाइक घुमा लिया इस तरफ और चले आए दर्शन के लिए। हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। और एक्चुअली पुणे में ना मौसम भी एकदम मस्त हो चुका है, एक्चुअली बादल छाए हुए हैं, धूप कम है, ठंड एकदम बढ़ चुकी है, तो और भी मौसम एकदम सुहाना सा हो गया है, वेरी गुड वाइब्स। ये वाइब्स ही जहाँ मिलती है ना उसके बाद ही अलग होती है, वो फील और वो टच ही अलग होता है। प्रसाद लेते हैं प्रभु जी का। हरे कृष्ण उपवास ले सकते ना प्रसाद, ये बहुत अभिषेक का है। हाँ हाँ, अभी वो आरती होने वाला है, पर्दा लगा दिया मेरा भी बस 5 ही मिनट हुआ, 2 ही मिनट से मैं भी बचा, पर्दा लग गया, अभी आरती होने वाली है इसलिए पहले पर्दा लगा देते हैं। भगवद गीता जिंदगी का सहार है भाई, भगवद गीता बहुत लगे हैं फंक्शन, और इसका बर्थडे बर्थडे होता है ना यहाँ पे डोनेशन भी करता है, उसके नाम यहाँ पे लिख देते हैं। अरे मोदी जी यहाँ पर भी आ गए, मोदी जी कहाँ कहाँ आप जाओगे, सब जगह सब जगह छाए हुए आप तो। ब्लैक कैट खतरनाक, ब्लैक कैट यहाँ से घर मेरा हार्डली 5 मिनट है, घर ऑन द वे ही पड़ जाता है, तो बहुत बार अगर ऑन द वे जाता रहता तो हर बार सोचता बाइक रोक लूँ और यहाँ दर्शन कर लूँ, बट हो नहीं पाता है, इन कभी कभी मन बन जाता है तो चले आते हैं। पहले तो हम रहते थे इसके अपोजिट में, हमारी सोसाइटी थी, अब तो कोई टेंशन ही नहीं था। व्हाट आर यू डूइंग, सो रही थी तू, तेरी की नींद लिया जा रहा है, कौन है कितना जाम करती है तू, वो गोप्रो हाँ सिद्धि क्या बोला तुमने, ओ गोप्रो देखा, ओ गोप्रो कई मालूम भैया, हम लोग गोप्रो यूज करते हैं। बंद करो यार बहुत आवाज आ रही है, कैसे लगाना है, हाँ ऐसे लगाना, राइट चलो चलो सूज उतारो, हाँ सिद्धि फास्ट फास्ट लिख लिया, हाई फाई कर दो, ए टू जेड सिद्धि हाई फाई कर दो, सिद्धि हाई फाई कर दो, फास्ट फास्ट कर दियो ना, कितने मिनट में करोगी, 10 मिनट में, अच्छा 5 मिनट में करना है टीचर ने बोला, यस 5 मिनट में करना है, कर लो अभी, अभी करोगी, कल करोगी तो स्कूल कब जाओगी, अभी तो बोल दिया मैं करूँगी, लेकिन जब करने बैठेगी तो कम से कम 2 घंटा लेगी वो करने के लिए, धीरे धीरे अभी इंटरेस्ट ले रही है ना तो फटाफट हो जाएगा इससे। सिद्धि मेरा प्रिस्क्रिप्शन पढ़ रही है, बताओ डॉक्टर ने क्या क्या बताया मेरे को, क्या क्या लिखा है इसमें बता दो, कैसे लग गया यहाँ, कैसे लग गया, वो तुमने कल चिमटी काटा था ना ऐसे काट लिया था, ऐसे किया था ना कल तुमने, ऐसे ऐसे किया था तो वैसे ऐसे करती हो ना तुम मुझे, जब हाँ ऐसे कर दी तभी तो लगा मुझे, डॉक्टर काफी दिख गई, वो डॉक्टर वहाँ तुम्हारा स्कूल है ना उसके बस राइट साइड में डॉक्टर बैठते हैं, हाँ
हाँ सच में पूरी दुनिया दवाई पे टिकी है, दवाई ना होती तो इंसान नहीं होते, अब इंसान है तो दवाई बना रहे हैं। क्या बोल गया मैं, मिर्जा गालिब हो गया हूँ मैं, जिसको कुछ बोलने ही नहीं आ रहा है कुछ। तो आईटी सिटी में जैसे ही थोड़ा आईटी वालों को खांसी जुकाम आता है तो हर फील्ड पे थोड़ा थोड़ा असर पड़ जाता है। तो खैर इनके बिजनेस में भी थोड़ा सा असर आ गया ऐसा लग रहा है मुझे। सिद्धि वहाँ खाना खा रही है, स्कूल में टिफिन फिनिश नहीं किया तो उसकी मम्मी वहाँ भी टिफिन फिनिश करवा रही है। और ये रहा मेरा बॉटल, ये मेरा लैपटॉप का ये जगह, पता नहीं कब मेरा खुद का ऐसा अच्छा सा ऑफिस बनेगा, आई डोंट नो कब बनेगा। चलो जल्दी बनेगा। तो घर बनने के लिए पैसा भी तो चाहिए, ईंटा जल्दी बनना चाहिए। अरे उस ईटा खरीदने के लिए पैसा भी तो चाहिए। सब एक तीसरे से जुड़ा है ना भाई। थोड़ा रिलैक्स मारता हूँ यार, सर दर्द कर रहा है। फास्ट रख लिया है ना मैंने, पता नहीं कितने सालों तक रख पाऊंगा, पता नहीं। चालू तो कर लिया है। गणपति अप्पा मोरया रख लेंगे साल तक। हाँ गाँव जाना रहेगा शादी में तो फिर। देखो पहला ही मेरा फास्ट का टेस्ट अभी कुछ दिनों में आने वाला है, अगर मैंने वो टेस्ट पार कर लिया तो समझो मैं हर दिन रख लूंगा। अभी वो आर्डर आने वाला है बीच में, तो देखते हैं। अगर वो पार कर लिया ना मैंने तो समझो मैं साल भर पूरा मेंटेन कर ले जाऊंगा, अगर वो नहीं पार कर पाया ना तो बहुत मुश्किल है। क्या हो तो अपने हाथ में है। तो एक कहावत मेरा, मन से माने मीत है, मन से ही है प्रीत। क्या तो है यार, कहावत ही नहीं याद आती मुझे। और आज यहाँ पर देखो फास्ट का साबूदाना बन रहा है। अरे इतना वाइट वाइट साबूदाना, नहीं लाल है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। अरे जैसे लग रहा पॉलिश मारा हुआ है एकदम, इतना वाइट दिख रहा है। तुमने तो नहीं मार दिया थोड़ा पॉलिश उसमें? हाँ देखो रिएक्शन देखना, वो तुमने तो पॉलिश नहीं मार दिया उसमें, लाल मुझे दिखाई रहा, तुमको वाइट ही दिख रहा है, पता नहीं कहाँ से। बाबा तेरे को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा तुझे। हाँ डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा भाई, तो लाल दिख रहा है। नहीं नहीं तुझे लेके जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। काफी देर तक काम कर लिया यार, अभी भूख लग गई है, कुछ खाना चाहिए। ऑफिस में रहते तो ब्रेक के लिए हम लोग कैंटीन जाते, और अभी घर में है तो ब्रेक के लिए किचन में आ जाते हैं। उससे पहले क्या बोले? उससे पता नहीं क्या बोला, उससे पहले मन में नहीं आ रहा है। सबसे ज्यादा बेसन कहाँ कौन से राज्य में खाया जाता है बताओ? तो राजस्थान गुजरात होगा। राइट, गुजरात में सबसे ज्यादा बेसन खाते हैं। सुबह फाफड़ा से लेके फाफड़ा ढोकला गट्टा क्या क्या खाते, कमल ढोकली, मतलब सबसे ज्यादा कंजम्पशन बेसन का गुजरात में है। गाड़ी गाए गाए खतरनाक गाना मिला है, बहुत पुराना गाना, देखते हैं आरू का क्या रिएक्शन रहता है। चलो चलो चलते इधर क्या देखो ब्लास कर रहा है, ब्लास कर रहा है, ब्लास कर रहा है, दिखो दिखो देखो देखो क्या लाइन है पिक्चर का नाम। परदेसिया ये बता कौन हूँ मैं तेरा पिया। नहीं तुम्हें नॉमिनेट नहीं, तुम अपने आप को नॉमिनेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, अपने आप को कोई अपने से नॉमिनेट कर सकता है, नहीं ना। बिग बॉस का भी रूल है, जो बिग बॉस का रूल है वो दुनिया का रूल है। क्या पानी पीता हूँ यार, मैं सोच रहा हूँ ना हिमालय पे जाऊँ और वहाँ पे ना जाऊँ और फिर वहाँ से लौट के चला जाऊँ, बस बोतल लेके जाओ ठंडा कर दूँ। एक लड़की थे इसको दिल की बात निकल गई है। अभी मैं वॉक करने आ गया अकेले ही, आरू का मन नहीं कर रहा था वॉक करने का, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। दो टाइम पास कर रही थी वो, नहीं उसका आने का मन नहीं कर रहा था, तो बोला चलो एक लॉक मैं ही लगा देता हूँ। अच्छा खासा एक राउंड हो गया है मेरा, एक क्या करीब करीब 7-8 राउंड हो गए वॉक करते करते, और दिमाग भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा आँखों को रिलैक्स भी लग रहा है। अभी ऑफिस से और भी काम भी करना है, उसको चल के करते हैं। तो आपको कहते हैं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू।